हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रॉयल ऑटो व्लॉग। तो देख सकते हैं एक और नई रॉयल गाड़ी आपके सामने है और ये है रोल्स रॉयस 1969। कुछ इस तरह का जो है आपको इसमें लोगो मिल जाएगा और ये इसका एम्बलम, ये कुछ इस तरह से। जो इसकी लेटेस्ट गाड़ियाँ आती हैं उनमें आपने देखा होगा जब इस लोगो को हम छूते हैं तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, स्टिल रहता है। और देख सकते हैं गाड़ी कितनी ब्यूटीफुल है, गाड़ी की लुक आप देख सकते हैं साइड से। इस वीडियो में हम इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की बात करने वाले हैं। फिलहाल आप गाड़ी की लुक देख सकते हैं साइड से। इसका जो स्पेयर व्हील है ये यहाँ पे प्लेस्ड है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट से आप फेस देख सकते हैं गाड़ी का, इतना ज़्यादा क्यूट है आप देख सकते हैं इस पर। यहाँ पे दोनों ही साइड आपको इसकी जो है हेडलाइट्स मिल जाएंगी, जो कि नॉर्मल हैलोजन मिलती है राउंड शेप में, जो कि काफ़ी बढ़िया लगती है। और ये आप देख सकते हैं क्रोम में दी गई है। और कुछ इसी तरह की जो है इसमें आपको क्रोम वाली ग्रिल मिल जाएगी, वर्टिकल स्लेट्स इसमें दिए गए हैं। दोनों ही साइड आपको हेडलाइट्स मिल जाती हैं। इसका जो फेंडर है ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, यहाँ पे दिया गया है यहाँ से लेके और कंप्लीट यहाँ पीछे तक आता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है इसका टर्न सिग्नल मिल जाएगा, ये कुछ इस तरह का छोटू सा, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये भी। और कुछ यहाँ पर लाइट दी गई है इसमें, ये भी हैलोजन है। और ये इसके प्रेशर हॉर्न है जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाए थे। जो इनकी साउंड है ये काफ़ी मस्त साउंड है, ये भी मैं आपको जो है आगे वीडियो में सुनाऊंगा किस तरह की जो है ये साउंड आउटपुट देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं जो बोनेट एरिया है ये दोनों साइड से ओपन होता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है आप देख सकते हैं। और इसको टाइट रखने के लिए यहाँ पर लेचेस आपको जो है यहाँ पर दिए गए हैं। और ये कुछ ग्रिल दी गई हैं एयर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर, कुछ इस तरह से दोनों ही साइड आपको जो है यहाँ पर ये लैचेस मिल जाएंगे। और इस गाड़ी में सबसे जो प्यारी चीज़ लगती है वो है भाई इसका ये हॉर्न, ये आप देख सकते हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको इसकी जो है साउंड सुनाई थी, तो सबसे प्यारा जो इस गाड़ी में मुझे लगा वो है इसका ये हॉर्न, कॉपर फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इसके ORVMs आपको मिल जाते हैं, सेम इसी तरह के ORVM आपको जो है देखने को मिलते हैं रॉयल इनफील्ड में। हॉर्न की जो आवाज़ है वो भी आप एक बार सुन सकते हैं किस तरह की आपको मिलेगी। तो ये कुछ हॉर्न है इसमें। और अब चलते हैं एक बार गाड़ी के इंटीरियर में। तो उससे पहले मैं आपको जो है इसका बैक प्रोफाइल दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इसका बैक प्रोफाइल है। और जो इसका टेल गेट है ये कुछ यहाँ पे इस तरह का मिल जाता है आपको, इसे भी टाइट रखने के लिए यहाँ पे लैचेस दिए गए हैं। तो एक बार आपको जो है बूट ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। तो ये कुछ यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी है, पूरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा वेट है इसमें। इस तरह का जो है इसमें आपको बूट मिल जाएगा। तो इसे करते हैं बंद। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं इसके टेल लैंप्स आपको मिल जाएंगे, ये है इसका स्टॉप लैंप। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका टर्न सिग्नल, ये इसका बम्पर है प्रोटेक्शन के लिए। तो कुछ इस तरह का जो आप देख सकते हैं SS में दिया गया है। कंप्लीट गाड़ी की लुक आप चेकआउट कर सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जब भी रोड पे निकलती है तो भाई इसी तरह से जो है इसको देखने के लिए भीड़ लग जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं इसकी रूफ़, सो ये बेसिकली कन्वर्टिबल रूफ़ दी गई है इसमें, ये देख सकते हैं। तो इसे जो है ओपन करके भी हम आपको दिखाएँगे। और ये है इसका स्पेयर व्हील जो कि यहाँ पर प्लेस किया गया है, इसे आप पीछे भी रख सकते हैं। और ये देख सकते हैं स्पेयर व्हील के ऊपर एक और ORVM आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे फुट स्टेप्स दिए गए हैं इसमें चढ़ने उतरने के लिए। और देख सकते हैं साइड में आपको जो है यहाँ पे फ्रंट और रियर के गेट भी मिल जाएंगे इसमें एंट्री एग्जिट के लिए, कुछ इस तरह से। अब चलते हैं इधर गाड़ी के इंटीरियर में। ये देख सकते हैं ओल्ड विंटेज स्टाइल में ही इसमें आपको जो है डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। तो इसे करते हैं यहाँ पर ओपन। और ये वही जो इसका इनसाइड पैनल है, ये आपको वही लेदर फिनिशिंग में देखने को मिलेगा। यहाँ पर दो पॉकेट्स कुछ दी गई हैं सामान वगैरह रखने के लिए। और यहाँ पे पैडल ABC, तो ये भी देख सकते हैं आप आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करे गए हैं स्पोर्ट्स स्टाइल में। और ये कुछ इसका इंटीरियर है,
और काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीटर दिए गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एम्प मीटर सारे वर्किंग कंडीशन में है। और ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह का। यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको मिल जाएगा और ये है इसका यहाँ पे टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज कुछ इस तरह की। मैनुअल दी गई है, छोटी सी MID यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी टर्न सिग्नल के लिए, ये दिया गया है। और स्टेयरिंग आप देख सकते हैं इसका वही स्पोर्ट्स स्टाइल में स्टेयरिंग व्हील दिया गया है। यहाँ पे आपको जो है इसके वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। अब इसमें वाइपर तो शायद नहीं है बट यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कंट्रोल दिया गया है। और यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल आपको मिल जाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है इसमें की दी गई है, ये देख सकते हैं। 5-speed का जो है मैनुअल आपको इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है, हैंड ब्रेक यहाँ पे, और सीट बेल्ट का कोई भी जो है इसमें ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो सीट है ये आपको लेदर फिनिशिंग के साथ मिल जाएंगी, देख सकते हैं काफ़ी मस्त इंटीरियर है। हेडरेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेंगे और सीट को जो है आप इसमें रिक्लाइन और जो है स्लाइडली एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ इसका रियर डोर है कुछ इस तरह से, काफ़ी मस्त इंटीरियर है, बिल्कुल रॉयल लगती है एकदम अंदर से बैठने में भी, काफ़ी मज़ा आता है बैठने में। और सीट में कंफर्ट काफ़ी बढ़िया इसमें दिया गया है। अब चलते हैं इसके रियर में, तो ये कुछ सीट इसमें दी गई है आप देख सकते हैं। और रियर से कुछ इस तरह की जो है लुक आपको देखने को इसमें मिल जाएगी। और एक बार जो है इसकी रूफ को भी मैं आपको जो है फोल्ड करके दिखा दूंगा। तो इसे करते हैं यहाँ पे बंद, और ये है इसका ड्राइवर डोर, इसे भी बंद कर देते हैं कुछ इस तरह से। और ये इसका कुछ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। अभी मैं जो है इसकी जो ये रूफ दी गई है इसे भी जो है कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं जब भी ये गाड़ी बाहर निकलती है तो आप देख सकते हैं भीड़ लग जाती है, तो इसीलिए इसके लिए जो है स्पेशल लोकेशन ढूंढनी पड़ती है और उस लोकेशन पे आए। लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोगों का रिएक्शन, सभी जो है इसकी फ़ोटो वगैरह करने लग जाते हैं। और हो भी क्यों ना, गाड़ी इतनी क्यूट है, इतनी ब्यूटीफुल गाड़ी है। सो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ लगने वाली है, मुझे लग रहा है बहुत जल्द जो है इसका शूट करना पड़ेगा। तो एक बार जो है यहाँ पे इनसे भी पूछते हैं, सर गाड़ी कैसी लग रही है आपको? बढ़िया, देखने में बहुत फैंटास्टिक है। और आपको कैसी लग रही है गाड़ी, कैसी लगी आपको? अच्छी लग रही है, बैठोगे अंदर? तो एक बार जो है इनका फोटोशूट हो जाता है। नाम क्या है पहले तो नाम? अच्छा अच्छा, तो कितने दिन से आप ये जो है फ्लैग का काम? 20 साल हो गए। इन्हीं सड़कों पे आप जो है? हमारा है। अच्छा, मैं आजाद हूँ, जिधर मेरी इच्छा होती है उधर निकल जाता हूँ। नहीं, आपकी स्पेशल लोकेशन कहाँ पे तो रहती है? इसके क्या, ये मेरी दुकान है सर छोटी। अच्छा, आप घूमते रहते हो यहाँ पे? बेलपुरी का लगाता हूँ। अच्छा, लेकिन 15 अगस्त तक मैं ऐसे ही घूमता हूँ। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो दोनों ही साइड में इसके लैचेस दिए गए हैं, इसे हम जो है रिलीज करेंगे एक बार। और ये यहाँ पे इस तरह से कुछ फोल्ड हो जाती है। और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इसे सो गाइस अब ये बन चुकी है बिना रूफ वाली। देख सकते हैं गाड़ी की लुक कितनी रॉयल, कितनी शानदार लुक है गाड़ी की। रूफ हटाने के बाद कुछ इस तरह की जो है आपको इसमें लुक मिल जाएगी। एक बार जो है इसका बोनेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का है इसमें। तो ये कुछ इसका जो बोनेट है ये आपको मिल जाता है दोनों ही साइड, जिसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। काफ़ी हैवी है, वेट काफ़ी हैवी मिल जाता है। और ये इसका इंजन है आप देख सकते हैं। इससे जो प्रीवियस मैंने गाड़ी दिखाई थी उसमें भी कुछ इसी तरह का इंजन था। तो 4-cylinder का आपको जो है इंजन मिल जाता है, पेट्रोल में है ना, पेट्रोल इंजन है। और अगर पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अभी कन्फर्म है नहीं। बस माइलेज कितना दे देती होगी? 7-8 का जो है इसमें आपको माइलेज मिल जाता है। बाकी ये इसको टाइट करने के लिए यहाँ पे लैचेस आपको मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह का जो है इसका बोनेट एरिया था। और अभी एक बार जो है इसके हॉर्न की भी आवाज़ मैं सुना देता हूँ किस तरह की आपको मिलती है। जबरदस्त। सो गाइस अगर इसके ब्रेकिंग सिस्टम की हम बात करें तो ये देख सकते हैं फ्रंट में आपको जो है इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और रियर में आपको इसमें जो है ड्रम वाले ब्रेक मिल जाते हैं। इसके अलावा जो टायर है
ये आपको 15 इंच का मिल जाता है और 205/65/15 ये कुछ इसका प्रोफाइल दिया गया है 205/65 R15 और ये देख सकते हैं स्पोक वाले जो है आपको इसमें रिम मिल जाते हैं, ये स्टील रिम स्पोक्स वाले, तो ये कुछ इस तरह के जो है इसमें दिए गए हैं। सो इन्हीं से जो गाड़ी की लुक है वो काफ़ी रॉयल देखने को मिलती है। अभी जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं एक ये और इससे एक जो पहले मैंने गाड़ी दिखाई थी उनके ओनर से आपको मैं मिलाता हूँ। आइए सर। तो सबसे पहले तो आपका वेलकम मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो सर पहले अपना नाम बता दीजिए। वीरेंद्र सिंह। सर ये बताइए कि इसके अलावा आपके पास और कौन कौन सी गाड़ियां हैं? हमारे पास में इसके अलावा दो कैटेगरी का और व्हीकल है, विंटेज कार है, एक मॉर्गन है और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में ये मर्सिडीज का। अच्छा, इसके अलावा और भी लग्जरी गाड़ियां आपके पास? लग्जरी गाड़ियां हमारे पास में मर्सिडीज है, BMW है, ऑडी है, जगुआर है, फॉर्चुनर है। तो कैसे सर के पास जो है आपको काफ़ी सारी लग्जरी या फिर विंटेज कारें मिल जाएंगी। स्पेशल इवेंट के लिए अगर आपको इस तरह की या फिर जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो चाहिए तो आप जो है सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अगर आपसे मिलना हो जयपुर सिटी में तो कैसे आना पड़ेगा आपके पास? मेरा ऑफिस नेहरू पैलेस टॉप रोड पर है और हेरिटेज कैब्स के नाम से हमारी कंपनी है और बेसिकली 2002 से हमारा यही बिजनेस है और हम लग्जरी और विंटेज सेगमेंट में ही डील करते हैं। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में जो है आपको जो है गाड़ियाँ प्रोवाइड करवा देंगे ये, और एड्रेस जो है वो सर ने बता दिया है, बाकी मैं जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये कुछ गाड़ी थी, इसके अलावा और भी बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ या फिर विंटेज कारें हैं तो वो भी मैं आपको जो है अपने इस चैनल पर दिखा दूंगा। नंदलाल जी मेरे साथ हैं अभी जो हमें जो है गाड़ी में थोड़ा सा गाइड करेंगे, चलते हैं इनके साथ में। तो निकलते हैं सर राइडिंग के लिए, छोटी सी राइड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका हुड है ये कुछ इतना आपको जो है विजिबल रहता है। तो सर ये बताइए गाड़ी चलाने में कैसी लग रही है आपको? मतलब अच्छी चलती है, है ना? जो अपनी नई वाली जो गाड़ियाँ हैं, मतलब जो लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, उनसे तो काफी मजा आता होगा। दूसरा फिर रोड प्रेजेंस कितना बढ़िया है, सब लोग देखने लग जाते हैं जब भी गाड़ी खड़ी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस, और ये कुछ जी काफी पसंद है, और दूसरा हॉर्न मुझे ये वाला पसंद है, ये हॉर्न मुझे सबसे ज्यादा पसंद है इस गाड़ी में। तो गाइस कुछ ऐसा रिव्यू था इस मोस्ट ब्यूटीफुल रोल्स रॉयस 1969 का। बाकी ये कुछ कंप्लीट लुक है गाड़ी की, आप देख सकते हैं। अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड बाय बाय।